ये आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। अब हम चलते हैं, आज है स्ट्रक्चर नंबर 9। कहता है पहले कि ईट प्लस सिम्स या अपीयर्स प्लस दैट प्लस क्लॉज। हालांकि क्लॉज के बारे में कई एक बार हम बता दिए हैं, क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बिल्कुल तय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कहिएगा यहाँ पे सीम क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे अपीयर क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, ईट चूंकि सिंगुलर है और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट में एस और यस जरूर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे सीम और अपीयर नहीं होगा। देखिए, स्ट्रक्चर में दिया गया है कि ईट प्लस सीम्स या अपीयर्स प्लस दैट प्लस क्लॉज। इसमें एक वाक्य को लेते हैं, कहता है कि ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। अच्छा, ऐसा लगता है कि जगह, अगर ऐसा होता है कि ऐसा प्रतीत होता है ना, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा मालूम पड़ता है। अगर प्रतीत होना या मालूम पड़ना भी हो तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, या ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश होने वाली है, या ऐसा मालूम पड़ता है कि बारिश होने वाली है। इसको हम एक ही तरीके से बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इट सिम्स या अपीयर्स। दोनों लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो सिम्स लिख सकते हैं या चाहे तो अपीयर्स लिख सकते हैं। और की का जो मीनिंग होता है दैट होता है। इट सिम्स या अपीयर्स दैट बारिश होने वाली है, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टू रेन। आपको पता होना चाहिए जहाँ भी वाला है वाली है लगा होगा वहाँ इज एम आर के बाद में टू लगता है, और जब कोई प्राकृतिक घटना हो उसके लिए सब्जेक्ट में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हवा चलने वाली है तो, या हवा बहने वाली है, इट इज़ टू ब्लो, है ना। आगे देखिए, ऐसा लगता है कि वह बीमार है, तो ऐसा लगता है का मीनिंग क्या हो जाएगा, इट सिम्स या अपीयर्स। की का मीनिंग हो जाएगा दैट। अब वह बीमार है का तो आप लोग जानते हैं, ही इज इल। अगला है, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति ईमानदार है, या ऐसा प्रतीत तो होता है कि यह व्यक्ति ईमानदार है, या ऐसा मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति ईमानदार है। तो प्रतीत होता है, लगता है, मालूम पड़ता है का मीनिंग हो जाएगा इट सिम्स या अपीयर्स। की का मीनिंग हो जाएगा दैट। यह व्यक्ति का मीनिंग हो जाएगा दिस पर्सन या दिस मैन भी लगा सकते हैं। इज ऑनेस्ट। अब आगे देखिए, आगे जो है ये थोड़ा अलग है। देखिए, है तो इसी प्रकार का, लेकिन इसमें कुछ शब्द जुड़ गए हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, पहले वाले में मुझे नहीं था, यहाँ पे दूसरे में देखिए राम नहीं था, हमें नहीं था। जैसे मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है, राम को ऐसा लगता है, सीता को ऐसा लगता है, तो हम बाद में टू के साथ इसको ऐड कर देंगे। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, तो आपको तो पहले से पता है कि ऐसा लगता है का मीनिंग क्या होगा, इट सिम्स या अपीयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो इट सिम्स या यहाँ पे अपीयर्स भी लगा सकते हैं, और मुझे का मीनिंग हो जाएगा टू मी, इट सिम्स टू मी या इट अपीयर्स टू मी, यहाँ पे हम अपीयर्स लगा सकते हैं, इट अपीयर्स टू मी। और फिर वही तरीका रहेगा, की का मीनिंग हो जाएगा दैट, और बारिश होने वाली है का इट इज टू रेन। राम को ऐसा लगता है कि वह बीमार है। अब देखिए, पहले से आपको पता है कि ऐसा लगता है कि मीनिंग क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स या इट सिम्स। और राम को तो क्या हो जाएगा, टू राम, की का मीनिंग हो जाएगा दैट, वह बीमार है क्या हो जाएगा, ही इज इल। हालांकि ये गलत है, ही इज इल ऐसे होना चाहिए, है ना। इस तरह लिखने का मतलब होता है आई सेल या आई विल हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। आगे चलिए, हमें ऐसा लगता है कि देश विकास कर रहा है, तो क्या होगा, हमें ऐसा लगता है का मीनिंग, इट सिम्स टू अस, हमें का मीनिंग क्या हो जाएगा, अस। की का मीनिंग हो जाएगा दैट, देश विकास कर रहा है, द कंट्री इज डेवलपिंग। जहाँ पर रहा है रही है लगा होता है उसमें इज एम आर के साथ वी फोर का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए, आगे ट्रांसलेशन दिया गया है, ऐसा लगता है कि लोग चिंतित हैं, ऐसा लगता है कि तुम भूखे हो, ऐसा लगता है कि वह धनी है, ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई आया है, हमें ऐसा लगता है कि उसके पास पैसा है,
तुम्हें ऐसा लगता है कि रोहन बेईमान है। अब इसको बना लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।